डियर स्टूडेंट दिस इज प्रेम। और बड़ा ही गजीब सिचुएशन है कि देश में ठीक ठाक और आईसीसी क्लास 10th और आईएससी क्लास 12th 2020 के बोर्ड एग्जामिनी के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के बीच में काउंसिल की विश्वसनीयता जीरो पर पहुंच गई है। कोई भरोसा ही नहीं कर रहा है कि एग्जामिनेशन होंगे जो डेट शीट July 1st से लेकर July 15th तक के बीच में करवा लेने के एक प्रपोज्ड प्रारूप है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर ये एग्जामिनेशन हो जाएंगे, नीट और जेई के एग्जामिनेशन नहीं हो पा रहे हैं तो क्या ये एग्जामिनेशन हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर फेसिंग सच काइंड ऑफ चैलेंज कि सर पढ़ लिए थे और पढ़ाई को भूल गए हैं, हमारा पढ़ाई ही बैकअप नहीं हो पा रहा है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर कैसे आएंगे, क्वेश्चन पेपर टफ आएंगे, क्वेश्चन पेपर इजी आएंगे, और इन सब चीज को लेकर स्टूडेंट की संभावनाओं और आशंकाओं को शांत करने का कोई भी यूजफुल और ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म नहीं है। स्टूडेंट के बीच में अविश्वास के माहौल की जो सबसे बड़ी वजह है वह है काउंसिल और उसका आर्बिट्ररी लिया गया डिसीजन। 1 मई 2020 को काउंसिल इन्फॉर्म करती है देश भर के स्टूडेंट को कि हम आपको 8 दिन का अलर्ट टाइम देने के बाद एग्जामिनेशन कंडक्ट कर लेंगे, और 22 मई 2020 को डेट शीट अनाउंस कर देती है कि हम आपको फर्स्ट से लेकर 14 जुलाई के बीच में आईसीसी क्लास 10th और आईएससी क्लास 12th के रिमेनिंग बोर्ड एग्जामिनेशन या पोस्टपोन्ड बोर्ड एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर लेंगे। अब सिचुएशन है कि कैसे, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि स्कूल नहीं खुल रहे हैं सर, अभी तक कोई एग्जामिनेशन नहीं हो पाए हैं, लेकिन कुछ स्टेट अपने एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने की बात कर रहे हैं और जून जुलाई के सिचुएशन यही है। बहुत सारे फैक्ट डेरोगेटरी, अभी तेलंगाना गवर्नमेंट के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिटिसाइज किया था, ऐसे में कैसे संभव है कि कहीं पर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, वाकई में यह ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स कह रहे हैं कि अगर मैं किसी तरह से पेशेंट हो जाऊंगा या मेरा स्टूडेंट मेरा वार्ड पेशेंट हो जाएगा तो मेरे परिवार की क्या स्थिति हो जाएगी, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे, हमारा सारा परिवार इसी में शामिल हो जाएंगे। तो पढ़ाई करने से नहीं मना कर रहा हूं, लेकिन सिचुएशन को स्टूडेंट जिस तरह से कह रहे हैं, एक के बाद एक कमेंट आपको दिख रहा होगा, ये बताता है कि अभी के समय में देश के जिस भी माहौल है उसमें पेरेंट्स और स्टूडेंट स्कूल पर भरोसा नहीं करना चाहते हैं। अभी एक सर्वे आज तक ने दिखलाया था कि 70% पेरेंट्स बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजना चाहते हैं, और टाइम्स नाउ के सर्वे में बताया गया कि सेफ सितंबर, मतलब कि सितंबर से पहले ये एग्जामिनेशन हो नहीं हो वो अपने वार्ड को स्कूल भेजेंगे ही नहीं। महाराष्ट्र में अकेले 50,000 ऐसे पैंडेमिक के केसेज हैं, फिर अहमदाबाद है, मध्य प्रदेश है, इन सब जगहों पर स्थिति बिगड़ी हुई है और स्टूडेंट बार बार कमेंट कर रहे हैं। उमंग गोस्वामी ने तो कई लिंक दिए हैं कि भाई इस पर साइन कीजिए, हम चाहते हैं कि काउंसिल हमारे पिटीशन पर विचार करे। कुल मिला के ये कहना है कि अभी के समय में जब देश और दुनिया सारे एक नए दुश्मन से जूझ रहा है, उसमें किसी तरह के एग्जामिनेशन के करने की गुंजाइश वाकई में रहस्यमय लगता है कि किन आधारों पर कह दिया गया, जबकि प्रत्येक दिन नंबर ऑफ पेशेंट की संख्या 6,000 से अब तो 7,000 के अप्रोचिंग बढ़ रही है। तो ये स्टूडेंट के बात को मैं आपके सामने रख रहा हूं ताकि यू शुड मेक रियलाइज व्हाट इज गोइंग ऑन अमंग स्टूडेंट्स। मैंने शुरुआत में भी कहा, अभी भी कहा कि दिस चैनल इज ओनली फॉर यू, फॉर स्टूडेंट सेंसिटिविटी एंड ऑल द थिंग्स एंड रिलेशंस। सो यहां पर काउंसिल का डिसीजन स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और देश और दुनिया के सिचुएशन को देखते हुए फुलिस आर्बिट्ररी और ऑकवर्डनेस से भरा हुआ लगता है, जिसमें कि स्टूडेंट जो सबसे प्रायर यूनिट है एग्जामिनेशन देने के लिए, उसी को विश्वास में नहीं लिया गया है कि किस तरह से हम ये एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली कंडक्ट कर या करवा पाएंगे, और वे कौन से नए सेफ मैकेनिज्म को स्कूलों में इंट्रोड्यूस कर देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ने यह क्वेश्चन रेज किया है कि सर हैंड सैनिटाइजर और मास्क से संक्रमण को रोका जा सकता है। मैंने कहा कि वाकई में नहीं, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था है। काउंसिल शुड थिंक एंड एक्ट प्रॉम्प्टली इन द फेवर ऑफ स्टूडेंट एंड द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट दैट दिस एग्जामिनेशन वुड बी कंडक्टेड और नॉट, इफ कंडक्टेड इन व्हाट कंडीशन एंड व्हाट वेज,
क्लियर टेक द स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट्स इनटू द कॉन्फिडेंस, बिकॉज स्कूल के कॉन्फिडेंस में होने से कुछ नहीं होता है। और आपको एक स्ट्रेंज बात मैं बता दूं कि भारत भर के बहुत सारे स्कूल अभी भी इस बात को लेकर डरे हुए हैं, कांप रहे कि ये एग्जामिनेशन को हम अपने बूते पर कैसे कंडक्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, मैन पावर लिमिटेड है, और वायरस सिचुएशन के कारण तो बहुत सारे आर्थिक उलट पुलट हो गए हैं। ऐसे में भी एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर पाना सक्सेसफुली उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत दिक्कत हो पा रही है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस तो ढंग से स्कूल दे नहीं पा रहे हैं, बच्चों के साथ ठीक ढंग से इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, और स्कूल आने जाने की बात नहीं हो रहा है, इसमें कैसे एग्जामिनेशन को कंडक्ट हो जाएगा। यह एक यक्ष प्रश्न, मतलब कि एवरलास्टिंग क्वेश्चन है, जिसका आंसर काउंसिल को ढूंढ के बच्चों को बता देना चाहिए, ताकि बच्चे जागरूक हो जाए, बच्चे अपने समझ को डेवलप करें और उस हिसाब से पढ़ाई को करें। अभी एक महीने का समय है, एक महीने में उनकी पढ़ाई बहुत बेहतर से हो सकती है। कन्विंस करना होगा काउंसिल को कि हाँ, ये एग्जामिनेशन सेफ और सिक्योर माहौल में होंगे, और इसके प्रूफ, केवल थॉट से काम नहीं चलेंगे, प्रूफ कि हाँ आखिर बच्चे किस तरह से देंगे, इसके एक दो डेमो हो जाने चाहिए और स्टूडेंट तक ये सारी बातें पहुंचनी चाहिए। अन्यथा सिचुएशन तो आप देख रहे हैं, बच्चों में जिस तरह का इम्पेशेंट और डार्कनेस का माहौल है, उसमें कुछ भी आगे के लिए सोच पाना और कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। मेक द ब्लैक थंब ब्लू इफ यू लाइक द थॉट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच मोर ऑसम थॉट्स फॉर यू स्टूडेंट्स।